उत्तर प्रदेश के भदोही जिला ब्लॉक ज्ञानपुर के पाली गांव में आज तक नाली न निर्माण होने से अमरावती देवी सहित 100 परिवारों के यहाँ नाली न होने से काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मैं केशा देवी, ये है मेरा समुदाय। गड्ढा खन के नहात है, धोवत है, वहाँ का पानी पुआरत है, बिटिया पतो नहात धोवत है। हमारे सबके घर में जब से आवत जात गए है कब हम जिंदगी में नाला बनाई नहीं है। कीड़ा मकोड़ा पड़त है ना, हमें बीमारी कितना रुपया पैसा पाई कहाँ दवाई करे। बरसात का पानी रुक जाता घरे में जाता है, कौनो साधन है ना, प्रधान के लगे जा कह प्रधान सुनवा रहे ना। सब घर है, सब परेशान है, सब सुखता खन के गड्ढा खन के पानी ले जाए बाहर पुआरत है। कितना मना पुआरे जो करे दुआरे अंगन जाता है, वो कहते भैया कचड़ा पानी हमारे दुआरे के लेके आओ, गंदगी हमारे दुआरे के लेके आओ, रोग पैदा बनाता है। हमारे गाँव में नाली सीवरेज वगैरह कुछ भी नहीं है, घरों से लोग पानी कुआं से निकालते हैं, नहाते हैं, वही फिर पानी को गंदगी को फिर ढो के हम लोग ये कुआं है उसमें फेंकने जाते हैं, और ये बहुत बड़ी समस्या है। इसको ना हल किया गया तो एक दिन ये बहुत बड़ी बीमारी फैलेगी। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि हमारे गांव में 100 की आबादी है और 100 घरों में यही हाल है, और तकरीबन ऐसा होता है कि 10 आदमी है एक घर में तो 10 आदमी नहा रहे हैं, तो 200 का आदमी का एक औरत पानी निकाल रही है, फेंक रही है। इससे हम लोगों को बहुत प्रॉब्लम है, और गवर्नमेंट भी सोचे हमारे बारे में। हमारे यहाँ कोई सुनवाई नहीं है, तो ना कोई प्रधान सुनवाई करता है ना गवर्नमेंट है। वैसे कहते हैं स्वच्छ भारत है, कहाँ स्वच्छ भारत है। खास करके हरदनों के घरों में तो बहुत तकलीफ है। मैं चाहती हूँ कि इन सभी के यहाँ जल्द से जल्द नाली बने जिससे इनकी समस्या दूर हो। मैं वीडियो देखने वाले सभी दर्शकों से अपील करना चाहती हूँ कि ज्ञानपुर ब्लॉक के वीडियो जिनका मोबाइल नंबर है 94 54 46 51 28 पर कॉल कर दबाव बनाएं और हमारी मदद करें। मैं केशा देवी, उत्तर प्रदेश भदोही जिला से, इंडिया अनहर्ड के लिए।